उसी के अराउंड एक गाना सुनाता हूँ. आवाज सब आ रही है ना, आ रही है. मेरे वर्ब काट दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा. ठीक है, शुक्रिया. इस गाने के पीछे एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहूंगा. मेरे एलुमनाई की बुक लॉन्च थी साउथ बॉम्बे में, तो स्टार्टअप्स पे थी, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए. कब तक सड़कों पे बजाएंगे, कुछ सीख जाएंगे यहाँ पे जाके. तो गए वहाँ पे साउथ बॉम्बे. बॉम्बे तो गए होंगे आई एम श्योर काफ़ी लोग यहाँ पे, साउथ बॉम्बे से भी वाकिफ होंगे. तो वहाँ पे जब मैं गया, तो जब सेशन ख़त्म हुआ, क्यू एन ए सेशन शुरू हुआ, तो मैं क्यू में लग गया. मुझसे पहले किसी ने हिंदी में सवाल पूछ लिया. हिंदी में क्या सवाल पूछ लिया कि सब लोग पीछे मुड़ के देखे, भैया कौन है यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा है. मेरी चक बढ़ गई, मैं वहाँ से कट लिया और सीधे लोकल ट्रेन पकड़ी, अंधेरी स्टेशन उतरा. रात 11 बज चुके थे, ऑटो ऑटो भी नहीं मिल रहे थे, पैदल 5 किलोमीटर चलते चलते खाना ये लिखा मैंने. न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है. ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है. न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है. ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है. जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है. ओ काम आए तो भैया बस लोहार है, ओ काम आए तो भैया बस लोहार है. छोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, छोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, छोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है. तुहार प्यार की न कौनो औकात है, तुहार प्यार की न कौनो औकात है. फुआरा आंगन में बिलायती लगात है, फुआरा आंगन में बिलायती लगात है, फुआरा आंगन में बिलायती लगात है. ओ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है, ओ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है. न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है. ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार. गाना सीख लीजिए, काम आएगा आगे. साथ में गाएंगे, ठीक है. न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है. ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है. जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है. ओ काम आए तो भैया बस लोहार है, ओ काम आए तो भैया बस लोहार. फुआरा आंगन में बिलायती लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, गाइए साथ में.
फुआरा आंगन, अगर चाहे तो फुआरा आंगन में बिलायती लगाते हैं। गाना यहाँ पे आप गाएंगे। फुआरा आंगन में बिलायती लगाते हैं, फुआरा आंगन में बिलायती लगाते हैं, ओ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमारे है, ओ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमारे है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार। अब दो तीन कविताएं सुनाता हूँ, उसके बाद एक और गीत पे आता हूँ, चलेगा? शुक्रिया। तो मेरे मतलब मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे। गवर्नमेंट कॉलोनी में सब बहुत बड़ा घर होता है, सारी सारा मोहल्ला आपका होता है। फिर कॉलेज हो गया, तो कॉलेज में गए तो हॉस्टल में चले गए, रूम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हॉस्टल में ये होता है कि रूम भले छोटे हों लेकिन पूरा हॉस्टल आपका होता है। अब बिल्डिंग में शिफ्ट, मेरे फादर का जब उनकी डेथ हो गई तो हम बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। अब बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए तो बिल्डिंग रास नहीं आई मुझे, तो मैंने उस पर एक छोटी सी कविता लिखी, वो कुछ ऐसी जाती है कि दो कदम की दूरी कुछ महीनों में तय होती है, दो कदम की दूरी कुछ महीनों में तय होती है, दूध चीनी के मतलब से बस अब हमारी मुलाकात होती है। हमारा मकान हमारी दुनिया बना, हमारा मकान हमारी दुनिया बना, खिड़कियां दीवारों पर एक नज़ारा बनकर टंग गई, टीवी मोबाइल इंटरनेट आदि हमारी खिड़कियां बन गई। कौन कहाँ रहता है भैया किसको फर्क पड़ता है, मगर कौन क्या कहता है भैया बहुत फर्क पड़ता है। हाल चाल जो कभी पार्क में पता लगते थे वो आजकल पार्किंग लॉट में पता लग रहे हैं, किसकी गाड़ी कितनी बड़ी किसकी गाड़ी कितनी छोटी। पजामे में उतराओ तो चौकीदार भी चोर समझता है, पजामे में उतराओ तो चौकीदार भी चोर समझता है, कुत्ते बिल्लियां हमसे बेहतर आखिर उन्हें तो हर कोई पूछता है। यहाँ हम सब साथ में अकेले रहते हैं, यहाँ पे हम साथ में अकेले रहते हैं, कंधे पे जिम्मेदारी माथे पे चिंता चेहरे पे मुस्कान पहनकर निकलते हैं। अरे क्या करेंगे आसमान का, हवा तो एसी भी देता है, सितारे अब मकानों में रहते हैं और कमबख्त चांद भी पड़ोसन बन बैठा है। तो हवा में रहने वालों देश सड़क पे रहता है, देश सड़क पे रहता है, देश सड़क पे रहता है। ये एक, अब किसी भी इवेंट में आओ उसकी आपत्ति करना भी जरूरी है। अब मुझे लगता है कि मतलब पीठ पीछे कर उससे बढ़िया मंच पे कर दो। तो मतलब इवेंट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर लोग आए, लेकिन मैं एक दोस्त था, मैं जब जा रहा था यहाँ पे तो उसने मुझे बोला था, कविश यार तू लिटरेरी फेस्टिवल में जा रहा है देखियो कैसा आएगा। मतलब मतलब यहाँ सारे एलीट लोग आते हैं और मतलब बोला था सारे एलीट लोग आते हैं यहाँ पे, सब ये एक ही सर्कल में मिलते रहते हैं, बोलते हैं सच अ स्मॉल वर्ल्ड, सच अ स्मॉल वर्ल्ड। मैं अभी तक बहुत नर्वस था, मतलब मैं सबसे मुलाकात तो कर रहा था लेकिन मतलब हाँ हाँ तो ठीक है ऐसा, तो ये एक चीज़ थी मेरे मन में थी, तो मुझे लगा कि बोल दूँ वरना आगे तो कार्यक्रम चल ही नहीं पाएगा मेरा। खैर एक और कविता मैं सुनाता हूँ, वो ये है कि मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, बिखरे होते हैं तो बिखर जाता हूँ, निखरे होते हैं तो निखर जाता हूँ, अपनी अना, अना यानी ईगो, अपनी अना अपना होना दूसरों पे नहीं जताता हूँ, जैसे भी हैं उनको अपना लेता हूँ उनका हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। अकेले किसी मंजिल पे जाकर क्या हासिल होगा, अकेले किसी मंजिल पे जाकर क्या हासिल होगा, कोई नहीं मिलेगा जश्न को बांटने के लिए, कोई सितारा नहीं इंसान अक्सर हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, समाज जो भीतर मेरे आज है वही मेरा समाज है, समाज जो भीतर मेरे आज है वही मेरा समाज है, सबको खुद में समाता जाता हूँ, इस समा को ख्यालों से बदलता जाता हूँ,
मैं जैसा हूँ लोगों को करते जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। दोस्तों के साथ मैं दोस्तों सा हो जाता हूँ, अलग अलग समय में मैं अलग सा नज़र आता हूँ। हवा का झोंका हूँ, हवाओं में हो जाता हूँ। अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से होता हो जाता हूँ। मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। आँख बंद करूँ तो पूरा हो जाता हूँ, आँख खोलूँ तो अधूरा हो जाता हूँ। मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ, मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ। इंसानों से मिलते मिलते मैं इंसान होता जाता हूँ। मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। अब थोड़ा सा देसी, ये क्यों नाम रखा है मेरी ज़बान देसी, इसके पीछे भी एक ख्याल है। वो है कि मेरे भीतर जितने भी लोग रहते हैं सब अपने ही रहते हैं, मेरे भीतर जितने भी लोग रहते हैं सब अपने ही रहते हैं। मेरा देश अपने लोगों से बना है, ये नेशन वाला देश नहीं है, मेरा देश देश वाला देश है। मेरा देश अपने लोगों से बना है, मैं अपने देश से बना हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे देश में अब कई देश आते हैं, मेरी ज़बान में अब कई ज़बानें आती हैं। तो मेरी ज़बान ना हिंदी ना रूसी ना अंग्रेज़ी ना फारसी है, मेरी ज़बान देसी है, ठीक है। ज़बान जो ज़बान लोगों को लोगों से जोड़ती है ना, ये एक ख्याल था। अब मैं दूसरा गाना सुनाता हूँ। अगर आप मैं एक्चुअली सोचा नहीं था कि ये इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा, ये दिस इज़ ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं बना रहा हूँ, इसका नाम नूरी है। समय कितना है मेरे पास? अच्छा 10 मिनट हैं, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा नहीं, मैं सोचा था इसके पीछे कहानी बताता, वही 5 मिनट लग जाएगा तो फिर गाना ही नहीं बचेगा। तो हाँ, ख्याल और ख्यालात जो होते हैं, तो एक ख्याल मुशाहिद की दुनिया, मैंने कुछ लिखा था उस पे है गाना। मुशाहिद यानी ऑब्जर्वर, जिनको नहीं मालूम है। तो कविता से शुरू करता हूँ। तो एक दिन में हम कितने दिन जीते हैं, एक दिन में हम कितने दिन जीते हैं, और एक दिन हम कितने दिनों तक जीते हैं। आरजू आरजू मेरे दिन का सूरज है जैसे, आरजू से मेरा हर दिन है जैसे, आरजू जितनी भी मेरे सीने में घर कर रही हैं अभी, उतने दिन जी रहा हूं मैं अभी। आरजू जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं एतबार के घर में घर कर लेता हूं। आरजू जब अंजाम तक पहुंच जाती है तो शमा मेरी शाम हो जाती है। शाम का वक्त तो मुलाकात का होता है, कभी कभार कई दिनों तक शामें नहीं होती हैं, कभी कभार एक दिन में ही कई शामें हो जाती हैं। फिर रात में जितने तारे बिखरे हैं आसमान में मेरे, वो मेरी और भतेरी आरजू है। फिर से कोई तारा मेरा शम्स होगा, फिर से मेरे और कई दिन होंगे। जितने भी तारे हैं आसमान में उतने मेरे दिन होंगे।
desi meri aarzu zalim bhi hai lazim bhi aisi meri aarzu aarzu meri hai to duniya ki bhi wo aarzu aarzu hai meri to duniya ki bhi wo aarzu anjaam tak pahunche to shaam ho jaye raat mein bikhre jo taare hai wo meri aarzu phir se koi tara hoga shams mera phir se koi hogi meri aarzu aarzu hai meri to duniya ki bhi wo shams hua aarzu se din mera shab-e-hijra mein ye jalti shamma si ye aarzu aarzu meri hai to duniya ki bhi wo थोड़ी सी इधर उधर हुआ लेकिन आई होप ख्याल पहुंचा हो आप तक आखिरी मैं आखिरी 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 तो दो एक नज्म सुनाऊंगा मैं सारे धीमे धीमे ही कर रहा हूँ आजकल मिजाज भी बहुत ही ऐसा चल रहा है तो लेकिन एक शख्स से मिलाता हूँ जाते जाते जाने से पहले उसका नाम फुर्सत अली है तो फुर्सत अली ने बहुतों से मोहब्बत करी ऐसा नहीं था कि वो हसीन था ऐसा नहीं था कि वो अमीर था जो हर लड़की उस पर आकर मरी फुर्सत अली के पास बहुत फुर्सत थी तो उसने बहुतों से मोहब्बत करी अब चलती दुनिया देखकर उसको जल पड़ी पूछने लगी फुर्सत अली को इतनी फुर्सत कहाँ से मिली कमा कर मिली या विरासत में मिली अभी कल ही मिला था मुझे उसे फिर कोई और नहीं मिली कौन ऐसा वाह तो मोहब्बत की गली वैसे तो है फुर्सत की गली ठीक है मोहब्बत की गली वैसे तो है फुर्सत की गली मोहब्बत करनी हो तो फुर्सत चाहिए भैया पैसा नहीं ठीक है ठीक है तो थोड़ी फुर्सत तो हमको भी दे दे कोई थोड़ी फुर्सत तो हमको भी दे दे कोई
जेब भर के नहीं तो छुट्टा ही सही, कभी हम भी हो जाए फुर्सत अली. तो अब जैसे अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं, मुझे लग रहा है मिजाज थोड़ा अलग जा रहा है यहाँ पे. थोड़ा सा कल ही मैं एक जगह कार्यक्रम था, वहाँ ही थोड़ा सा मैंने एक नया जॉनर को इंट्रोड्यूस कराया था, वो था लौंडा जॉनर. मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मैं बहुत सीरियस गाने पे जाने वाला था मुझे लग रहा, लेकिन टर्न मानना पड़ेगा. मगर तो लौंडा जॉनर ये होता है कि आप मतलब क्या ही होता, आप समझ गए, लौंडे शब्द ही सब कुछ आ जाता. खैर देखते हैं क्या होता है आगे. अभी 5 मिनट है ना, 2 मिनट है, ख़त्म है. ठीक है, नमस्ते. नज़्म बड़ी है मेरी जो मैं सुनाऊंगा. अगला वाला मारेंगे मुझे. ठीक है. तो जिसे अंग्रेजी में लोग रोमांटिसिज्म कहते हैं, उसे मैं हिंदी में जी लगाना कहता हूँ. ठीक है, तो अगर आपका जी किसी पे लग जाए तो क्या उसके नाम के आगे जी लगा लेंगे? हम तो कहीं भी जी लगाते रहते हैं, सोचिएगा इस पे. तो कहीं भी जी लगा लेते हैं, तो मैं हर काम जी लगा के ही करता हूँ. मतलब जी लगा के खाता हूँ, गाता हूँ, लिखता हूँ, जो भी है. अब जब जी नहीं लगता तो ऐसा लगता है कि बेरोजगार हो गए हैं. तो ऐसा लगता है कोई तो आए इस झगड़े को सुलझाए, कहीं तो जाकर मेरा जी लग जाए. तो एक और शेर है, उसके बाद नज़्म पे आऊँगा. शेर है, पता नहीं क्या है. तो मतलब मैंने तो लिख दिया था, फिर जो ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं कि ये वो है वो है. मतलब ठीक है यार, मेरा एक्सप्रेशन है. मतलब तो ऐसी चीज़ है कि यहाँ बहुत से ज्ञानी लोग हैं उपस्थित, तो इशारा किसी पे नहीं है. तो वो ऐसा था कि हाँ अकेला नहीं हूँ जिसे मुश्किलें हैं. हाँ अकेला नहीं हूँ जिसे मुश्किलें हैं, मगर अकेला हूँ जब मुश्किलें हैं. तो अकेला होना, खुद से ना होना, किसी के साथ ना होना ही शायद मुश्किलें हैं. ठीक है, अब मैं नज़्म पे आता हूँ. मुझे फ़र्क भी नहीं पता था नज़्म और गज़ल का क्या होता है, जब तक एक शायर ने मुझे नहीं बताया. तो हाँ हमसे अब नहीं
फिर वही जज्बात है कि जी जाके वही बसता जो मेरे बस में नहीं होता तुम्हें क्या लगता है कोशिशें ना करी हमने तुम्हें ये क्या लगता है कोशिशें ना करी हमने के बार बार यही होता के होते होते हारने दो मुझे यहाँ हार नहीं सकता हूँ क्या जीतना ही जरूरी इस जहाँ में क्या ओ देख मुझे घबरा गए के वास्ते उनके हमसे नहीं होता जीलेंगे हम और कभी दिनों की वैसे ना है कमी जीलेंगे हम और कभी दिनों की वैसे ना है कमी बस आज नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं हाँ हमसे शुक्रिया 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 मैं कटता हूँ